इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो ये कि 1/2 पाई सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ एक्स ऑफ एस इज टू पावर प्लस एस टी दिस टाइम, और इंटीग्रल आपने ये सर्कुलर इंटीग्रल सॉल्व करना होगा जो कि रेयरली हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस जो आसान प्रोसीजर है वो ये कि हम अपना जो ट्रांसफर फंक्शन है या एस तो मेन फंक्शन जो है, लाजमी है ट्रांसफर फंक्शन ही हो, जो एस तो मेन डिस्क्रिप्शन है एक्स ऑफ एस की या जो भी, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से मुराद ये कि हम एस तो मेन से टाइम डोमेन की तरफ जाना चाहें। तो हमें इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। जो नोटेशन है वो ये है कि आप सर्कल जो है ये एक लाइन और उसके ऊपर एक पॉइंटेड सर्कल है। सर्कल जहाँ पे है उसका मतलब है वेस्ट डोमेन में, और जहाँ पे टेल है वो उसका मतलब है कि वो टाइम डोमेन में। तो इस तरीके से हम इसलिए ये नोटेशन जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें नहीं ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम एस डोमेन से टाइम में जा रहे हैं या यहाँ से अगर इधर जाएं तो लाप्लास इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा लेटर साइन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी अगर हम इस तरीके से इसको लिखते दें। सो टेन ओवर एस का इन्वर्स लैपलास ने को दैट इज टेन, ये टेबल से हमें मालूम है कि 1/s वो यूनिट स्टेप का है लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसलिए टाइम में 10 u(t) होगा, प्लस यहाँ पे s +3 है तो यहाँ पे ऊपर 4 4 × e^-3 इसका इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म है। हम जिस तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे वो पार्शियल, डेफिनेटली पार्शियल फ्रैक्शंस ही हैं जिससे हम लैपलास ट्रांसफॉर्म किसी भी इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। लैपलास ट्रांसफॉर्म बेसिकली रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन मुराद की दो फंक्शंस की या दो पॉलिनोमियल्स की रेशियो है जिसमें ये जो है ये इनफैक्ट एक्स ऑफ एस जो है वो पोल जीरो फॉर्म में लिखा हुआ है, पोल जीरो फॉर्म है ट्रांसफर फंक्शन की उसमें लिखा हुआ है। जो रूट्स हैं न्यूमरेटर के उनको हम जीरोस कहते हैं, यानी इस पूरी न्यूमरेटर ऑफ जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसको अगर आप जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसमें हर टर्म जीरो हो सकती है, एस माइनस जेड वन भी जीरो हो सकता है, एस माइनस जेड टू भी, जेड थ्री भी, और m भी। तो इसलिए वो जो वैल्यूज आएंगी एस की तो वो इनफैक्ट रूट्स हैं, उसको रूट्स कहते हैं न्यूमरेटर के। तो वो जो रूट्स हैं उनका जो नाम है लैपलास डोमेन में वो जीरोज हैं। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एस, उसको अगर हम जीरो की इक्वल सब्स्टिट्यूट करें तो हमें पोल्स मिलते हैं। सो पोल्स आर P1 P2 जो भी आपने यहाँ पे लिखे हुए ये पोल्स आपको मिलेंगे। हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे ऐसे फंक्शंस की जो कि स्ट्रिक्टली रैशनल फंक्शंस हो। पहले देख लेते हैं कि रैशनल फंक्शन जो हैं वो कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हैं, इसका मुराद ये कि दो रेशियो है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये जो एम है यानी जो नंबर ऑफ पोल्स हैं ये ऑर्डर है ऊपर वाले पॉलिनोमियल का वो, और एन जो है वो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल का ऑर्डर है। ये एम अगर बड़ा हो या बराबर हो एन के तो ये जो हम इसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली रैशनल फंक्शन नहीं है कि जिसको हम जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें, जिसको गालिबन जो मैट्रिक एफिशिएंसी में इसको शायद कहते हैं इम प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। जबकि अगर तो एम लेस देन एन हो तो उसको हम कहते हैं जी प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। इसीलिए जो स्ट्रिक्टली रैशनल रैशनल फंक्शंस हैं उनमें एम की जो एम का ऑर्डर है ये कम होगा और एन बड़ा होगा, तो उस सूरत में हम
ये जो स्ट्रिक्टली रैशनल फंक्शन है, इस सूरत में हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, ये आपने लिखा भी है। तो जब आप फर्ज करें 9 है, उसको आप 2 पे तकसीम करते हैं, 2 चौके 8, एक रिमाइंडर है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ नीचे रिमाइंडर आएगा, ऊपर सॉरी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 2, दिस इज 9/2, तो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन जो है वो 4 है, सॉरी क्वेश्चन जो है वो 4 यहाँ पे आएगा, और रिमाइंडर जो है ये 1 यहाँ पे आएगा। तो इसको हम देखें तो ये 4 2 8 + 1 9/2 बन जाता है, या इसका भी लिख सकते हैं। तो उस केस में भी ये 2 है 8 + 1 9। तो अगर तो वो स्ट्रिक्टली रैशनल फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं, तो जब हमारे पास तो ये पॉलिनोमियल है, तो इसलिए हमें ये लॉन्ग डिवीजन से इस तरह जो रिमाइंडर जो आएगा वो यहाँ पे लिखना होगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिखना होगा, और जो डिनोमिनेटर है इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन जब हम फाइंड करेंगे, तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ केसेस हैं। केस वन ये कि जो पोल्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, जो पोल्स आ रहे हैं, और जो दूसरा केस है वो ये कि पोल्स रिपीट हो रहे हैं, और एक तीसरा केस भी जो पोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। पहले केस को देखते हैं, जब पोल्स डिफरेंट हों, तो उसमें कोई भी पोल दूसरे पोल के बराबर नहीं होगा, तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू सी वन और एस माइनस पी वन प्लस सी टू और एस माइनस पी टू प्लस सी एन और एस माइनस पी वन। अगर तमाम पोल्स डिफरेंट हैं, तो ये कांस्टेंट फाइंड करने का जो तरीका है वो ये कि सी आई जो आई इज एनी कांस्टेंट, जो कि 1 2 3 जो भी हो, एन कोई भी हो सकता है, सो वो बराबर है जो भी पर्टिकुलर पोल आप ले रहे हैं एस माइनस पी आई मल्टीप्लाई बाय द ट्रांसफर फंक्शन, जो ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन है, और आप इस दोनों के प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करें जो पोल आपने कंसिडरेशन में लाया है, जिस पोल को आप फाइंड जिस कॉन्स्टेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं उसके नीचे जो पोल है, उस पोल को आप जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके इनके प्रोडक्ट में आप उस पोल की वैल्यू इंसर्ट करें। एग्जांपल से चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फर्ज करें हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है एस स्क्वायर माइनस 4s + 3 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में कि a1 या ये जो c1 a1 जो भी लिखते हैं, a1 ओवर s इसको अलहदा लिख दिया, प्लस a2 ओवर s + 1 इसको अलहदा लिख दिया, एंड प्लस a3 ओवर s + 3। अब हम जब ये कोफिशेंट्स फाइंड करेंगे जो कि यहाँ पे फाइंड हुए हैं 1, 4 और 4 है, तो ये 1, 4 और 4 जो है, जब आप इन तीनों को सम करेंगे, सो यू विल अगेन गेट s² - 4s + 3 ओवर s × s + 1। तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम इस कंबाइंड फंक्शन का लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको सम की फॉर्म में लिखते थे। सम के लिए हमें ये फाइंड करना होगा कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, तो वो जब कोफिशिएंट्स हम फाइंड कर लेंगे, तो ये और ये बराबर ही रहेंगे, क्योंकि इससे एलसीएम ले तो ये दोबारा ही आएगा, तो इसलिए अब हमारे लिए आसानी है कि हम इंडिविजुअल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, तो हमें हमारे लिए वो फाइंड करना आसान हो। तो इसलिए अब इन कोफिशियंट्स को कैसे फाइंड किया जाए, उसका वो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का ऑब्जेक्टिव ही है कि हम ये कोफिशियंट्स फाइंड कर लें। अब हमने देखने के इसका जो पोल है वो कहाँ पे है, इसमें एस इज इक्वल टू 0 पे, इसमें एस इज इक्वल टू -1 पे, इसमें एस प्लस 3 में पोल 0 को इक्वल सब्स्टिट्यूट करके आप एस फाइंड करना है, इस -3।
अब तमाम पोल्स जो हैं वो 0, -1, -3 एक मुख्तलिफ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कोई रेपिटेशन नहीं है, इसलिए ये जो केस है रियल एंड डिस्टिंक्ट पोल का है। रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो हमने A1 कैसे फाइंड करना है, जो भी पोल हम ले रहे हैं जो कि एस इज इक्वल टू 0 वाला है, तो पूरे ट्रांसफर फंक्शन को एज इट इज ये जैसे ये है, इसको आपने एस से मल्टीप्लाई करना है, तो एस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आपने इन दोनों इस प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करना है एट एस इज इक्वल टू 0, यानी जो इसकी वैल्यू है। तो एस यहाँ पे ये कट गया, 0 सब्सिट्यूट करेंगे, ये 0 0 यहाँ ना एस नज़र आएगा, वहाँ 0 डाल देंगे, तो 0 0 0, सो दिस इज माइनस सॉरी 3/3 विच इज इक्वल टू 1। इस तरह सेकेंड जो कॉन्स्टेंट है A2 वो हम फाइंड करेंगे, इस दफ़ा हम A2 फाइंड करना चाहते हैं, तो A2 इज इक्वल टू FFS मल्टीप्लाई बाय जो भी नीचे इसका उस पोल के नीचे जो सॉरी जो उस कांस्टेंट के नीचे जो हम फाइंड करना है, जो जो फैक्टर है वो S+1 है, और इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो S-1 आएगा। तो FFS ये है, इसको S+1 से मल्टीप्लाई करें तो, और जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको S-1 पे एवेल्यूएट करें। सो सबसे पहले ये कट गया, ऐसे सब में एस में जहाँ जहाँ एस नज़र आएगा -1 डालते जाएँ, -1 स्क्वायर, -1 -1, और यहाँ पे भी -1, -1 स्क्वायर इज 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय सॉरी माइनस इंटू माइनस +4 +3, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, सो 4 3 7 और 1 8/2, दिस इज 4, इसलिए सेकेंड कोफिशियंट A2 जो है वो आ गया जी 4। अब हमने थर्ड कोफिशियंट फाइंड करना है A3। A3 फाइंड करने के लिए हमें A3 अगर फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये A3 फाइंड करना चाह रहा हूँ तो ये FFS है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा A3 के लिए नीचे जो फैक्टर इसका आ रहा है S+3, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस प्रोडक्ट को मैं एवेल्यूएट करूँगा, S+3 को 0 के बराबर कर लें तो ये आ जाता है S-3, तो -3 पे S-3 पे इस प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करूँगा, सो S+3 कैंसिल हो गया। अब S-3 है तो जहाँ जहाँ एस नज़र आएगा वहाँ पे -3 डाल दूंगा, -3 होल स्क्वायर, -3 9 4 12 जमा 3 और -3 जमा 1 -2, -2 ज़रबे -3 जमा 6, ये आ जाते हैं 24 बटे 6 6 4 24, तो जो A3 आ रहा है वो इनफैक्ट 4 है, तो इस 4। सो अब हमारे लिए FFS को लिखना आसान है कि ये हमने एवेल्यूएट कर लिए, तो ये जो पहला कोफिशियंट है वो इनफैक्ट 1 है, दूसरा जो है वो -4 है इसलिए हम माइनस लिख देते हैं, और तीसरा +4 है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है, इसलिए अब हमारे लिए इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना इसका आसान है, कि लैपलास इनवर्स ऑफ FFS इज इक्वल टू लैपलास इनवर्स ऑफ दिस फैक्टर माइनस लैपलास इनवर्स ऑफ दिस फैक्टर प्लस लैपलास इनवर्स ऑफ दिस फैक्टर। वन ओवर एस जो इनवर्स लैपलास है वो UFT का है, सो वन ऑफ एस का जो इनवर्स लाप्लास है या फिर ऐसे लाप्लास इनवर्स लेंगे, सो वन ओवर एस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ UFT,
माइनस फोर एस प्लस वन जो है वो ए एस वो माइनस वन टी का इन्वर्स लाप्लास है, और प्लस फोर ए एस वो माइनस थ्री टी। सो इस तरीके से हमने जो डिस्टिंक्ट या मुख्तलिफ बोल्स अगर मुख्तलिफ हैं तो उस केस में हमने इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करके ये हमने इन्वर्स लाप्लास या एफ ऑफ टी हमने फाइंड करना।